हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम टू यू ऑल ऑन कॉमर्स डेस्टिनेशन। आज की वीडियो में हम मौलिक अधिकार, जो भारत के संविधान में निहित बुनियादी मानव अधिकार है जो सभी नागरिकों को गारंटीकृत है, मौलिक अधिकारों को जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू किया जाता है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू भी किए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में ये जो इंट्रोडक्शन है, इसके द्वारा तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो मौलिक अधिकार के बारे में है। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे 6 जो मौलिक अधिकार हैं उनको याद करने की बहुत ही आसान ट्रिक क्या है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए ट्रिक जानते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो सम से हम याद रखेंगे समता तथा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। दूसरा है समस्त, अब सम तो हो गया लेकिन अस्त, अस्त से हम लोग याद रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 में आता है। अब समस्त शोध, शोध में जो सो है उससे हम लोग याद रखेंगे 67 के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। और उसके बाद शोध में जो ध है, ध से हम लोग याद रखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में आता है। इस संस्कृति से याद रखेंगे संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 में आता है। इसके बाद वाक्य में, जो हमारा वाक्य था, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, तो इसमें अंतिम शब्द है उपचार। उपचार से हमें याद रखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। साइड में आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद भी दिए गए हैं, तो अगर आप अपनी कॉपी में इन अनुच्छेद को भी लिख लें तो आपको आसानी रहेगी ट्रिक के माध्यम से, जब आप याद कर रहे होंगे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को, उसके साथ साथ आप अनुच्छेद को भी देख लेंगे, क्योंकि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें अनुच्छेद से भी जुड़े हुए कई सारे प्रश्न होते हैं। चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों को भी देख लेते हैं जिनको हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम कभी भी किसी को भी ये बता सकें कि हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, कब जोड़ा गया, और बहुत सारे प्रश्न के उत्तर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और जानने वाले हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से मतलब है, तो वो इस वीडियो को अब देखना बंद कर सकते हैं। लेकिन जिनको इंटरेस्ट है कि वो ये भी जाने कि क्या है इनसे जुड़े हुए प्रश्न, तो वो आगे वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, मौलिक अधिकार भारत में कब लागू हुआ? इसका उत्तर ये है कि संविधान के तीसरे भाग के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसलिए जिस दिन से भारत का संविधान प्रभावी हुआ, उसी दिन से उसके सारे अनुच्छेद भी प्रभावी हो गए, यानी कि 26 जनवरी 1950 से मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। बात समझ में आ गई होगी। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। अधिकार सामाजिक जीवन की उन दशाओं को कहा जाता है जिनके बिना मनुष्य प्रायः अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अतः व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए जो अधिकार नितांत आवश्यक होते हैं, उनको ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। आधुनिक युग में प्रायः सभी लिखित संविधानों में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अब ये भी जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए अब भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में और भी ज़्यादा कुछ जान लेते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। और कुछ जान लेते हैं भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। तीसरा है,
इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। आइए अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से डैश तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। इसका उत्तर रहेगा 28। हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को देखकर भी उसका उत्तर दे सकते हैं अगर आप उत्तर को ना देखें तो। अब हमें अपनी तरफ से थोड़ा सा वफादारी दिखाना पड़ेगा। और एक और काम आप ये कर सकते हैं कि ये सब प्रश्न को आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। अगर पहले से ही आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रिवाइज कर लीजिए। तो ये प्रश्न क्या है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? तो इसका उत्तर है 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? इसका उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसको बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? इसका उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? इसका उत्तर रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। देखिए अगर आपको ट्रिक याद है ना तो आप इन सभी प्रश्नों का अच्छे से आंसर दे सकते हैं, और अगर आपको ट्रिक नहीं याद हुआ है तो प्लीज़ पहले उसे याद कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो को आगे देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 24। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है? उत्तर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को? उत्तर है निलंबित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? इसका उत्तर है मूल अधिकार का हिस्सा था। हमारा अगला और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नज़र आ रही हो तो कृपया कर मुझे कमेंट द्वारा बताइए, ताकि मैं अपनी वीडियो को और अच्छे से सुधार कर आपके सामने पेश कर सकूँ। मुझे मेरी गलतियों से सीखने की हमेशा आदत रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर रोज़ कुछ नया सीखूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आप प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक सेकंड के लाइक बटन को क्लिक करने से हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को हंसाते रहिए। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।